भी मारा, लड़की को भी मारा बहुत, और मेरे को भी मारा। मेरे कपड़े खींचे पूरी तरह से, मेरा सिर फोड़ दिया, मैं पकड़ने लगी तो मम्मी छुड़ाने लगी, भी मम्मी के भी बहुत मारे। हमारे घर का मैटर में इसका कोई हक नहीं बनता। हाँ जी, मेरे ससुर थे उनकी। हाँ जी, हरियाणा दिल्ली पहुंचने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली गुरु नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने सुना हो गया भाई, छोटे छोटे बच्चा भाई गलिया में खेल ले गया, आम बात है भाई, सारे खेल रहे। लेकिन आपने एक बात जरूर देखी होगी सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने देखने मिली होगी भाई, छोटे से बच्चे ने लेकर आया बहुत बड़ी बड़ी जो घमासान, आपने लड़ाई भी देखी है, बड़ा नुकसान, एक बड़ा मांस को मांस नुकसान आपने देखा है। नू एक मामला आया है भाई नरवाना का, तो भाई ये वो माता जी है, ये वो लेडीज है, ये छोटे छोटे बच्चे हुए हैं भाई। इन बच्चे ने किसका के बिगाड़ दिया होगा, जो भाई इसके माता के आप हालात देख सको हो, और जो माता जी है या भाई आँखा मासू है। तो बात कराएंगे पूरा मामला क्या था नरवाना का, जो रेलवे फाटक है दबलैन वाली गए थे उसकी परली साइड गांधी नगर कहा जा रहा है, कम लोग जान देंगे लेकिन गांधी नगर का वोड़ा का यूँ मामला है भाई। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? नीलम। नीलम, क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ था जी, बताओगे जी एक बार? जी बच्चे ने पत्थर मार दिया होगा बाइक पे। अच्छा, फिर उसके बाद मैं छुड़ाने गई। हाँ जी, मैं छुड़ाने गई तो मेरे को मारने लगे, मेरे कपड़े खींचने लग गया। अच्छा, उन्हें उठा के मेरे सिर मार दी, पत्थर मार दिया। अच्छा, ईंट मार दी सिर में। कौन था जी वो जिन्हें ये कर? पूरा आदमी था। आपका पड़ोसी है? हाँ जी। मतलब आप पहले से जानो उसने? हाँ जी जानते हैं। अच्छा, हमारी गली में सब भारत हॉस्पिटल है। अच्छा, बाहर उसकी दुकान है, हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा, उसने मार दी। अच्छा, ये खेले थे? हाँ जी, इसको भी मारा, लड़के को भी मारा बहुत, और मेरे को भी मारा। तो मेरे कपड़े खींचे उन्हें पूरी तरह से, मेरा सिर फोड़ दिया, मैं पकड़ने लगी, मेरी मम्मी छुड़ाने लगी, मेरी मम्मी के भी बहुत मारे थप्पड़। अच्छा, धक्के मारे मेरी मम्मी को। अच्छा, मतलब कि ये बच्चे खेलने लग रहे थे गली में। हाँ जी, इस पे पत्थर चट्टू की में बाइक कर लग गया, वो बाइक उसकी थी? हाँ जी, वह बाइक भी किसी और की थी। लेकिन एक पड़ोसी है जो आपका आसपास उसका मकान हाँ, और है। गंदी गंदी बात बोलने लग गया, तू इसी है नू है। अच्छा, और कपड़े खींचे, क्या नाम थप्पड़ मारे? नाम तो नहीं जी पता। अच्छा, नाम उसका छोरा का नाम तो बिट्टू है। अच्छा, उसका छोरा का नाम बिट्टू है। अच्छा, कितनी एज का है वो इंसान जिसने आपको ये चोट पहुंचाई है? अट्टा-गट्टा जवान है, बूढ़ा सा है, ज्यादा वो अधेड़ उम्र का इंसान है। आधो उम्र के है। अच्छा, सबके गले लड़ाई कर रहा। अच्छा जी, आपके साथ क्या करे? बस उसने मेरा थप्पड़ मारा। आपको थप्पड़ मारा? बस मना के हो गया जी, भाई इसने कंकर मार दी तो नू को तुम इसे हो गंदे हो तुम ऐसे। अच्छा अच्छा, पहले भी कभी के वो लड़ाई नहीं? एक बार और हुई थी जब बिनू है लड़के के साथ। अच्छा, पहले उसके लड़का का गल्ला हुई थी मेरी। अच्छा, उस टाइम की बात? उस टाइम तो नू को था, हम कूड़ा कूड़ा गे रहो था, मुरा कूड़ा गे रहो नू को था, बस उसके बाद नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा, तो आपको पत्थर मारा है या ईंट मारा है? ईंट मारी, ईंट डंडे से मारा है। ईंट मारी, ईंट ईंट मारी। हां ईंट मारी। अच्छा, आपके परिवार वाले उस टाइम कहां थे? और जी मेरे हस्बैंड की दुकान पे थे, मैं छुड़ा रही थी, मम्मी आई, मम्मी के मारे थे भाई तो नौकरी करा किसी की दुकान पे थे। अच्छा 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 अच्छा, वो कितने बंदे थे लड़ाई करने? वे तो अकेले अकेला था, पांच पांच थे, बिट्टू भी था, बिट्टू था उसका भाई, ऊपर से देख रहा था। अच्छा, उसकी मम्मी भी थी, वे छुड़ा लग रहे थे, और लड़का ऊपर से छत पे से देख रहा था। वो नहीं आया, नहीं जो ऊपर से बोलने लग रहा था। वो क्या कह रहा था ऊपर से? वो गाली दे रहा था जी, आप अपने लड़कों की पापा को दे रहा था, हमसे दे रहा था, हमको कह रहा था, आपको ही गाली दे रहा जी। मतलब जो व्यक्ति है उसका जो बेटा वो ऊपर से देख रहा था, ना वो छुड़ा रहा था ना वो हटा रहा था अपने लड़के को, और गाली दे रहा था गंदी गंदी, गंदे हो तुम, ऐसे हो, उल्टा उल्टा बोल रहा था हमको। पहले भी उसने धमकी दी थी, मैं तेरे छोरे को मार दूंगा, तुम सारा ने मार दूंगा जान से। अच्छा, पहले जान से पहले भी धमकी दी थी उसके लड़के ने, बिट्टू ने। हाँ जी, पहले पहले भी लड़ाई होगी थी हमारी। ये पूछ रहे हैं कि पुरानी रंजिश है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसी। जब उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, पुलिस प्रशासन में आपने अवगत कराया था? नहीं, जब 20 के बजे तो ही थी। पहले भी इसकी वजह से बच्चों ने भाई ऐसे खेल खूल मार दी थे वह चीज, पर फिर ऐसे उसने भी ऐसी गाली देने लग गया, उल्टी उल्टी बात बोलने लग गया गंदी गंदी, तो हम ऐसे बस गए नू भाई। घर के मैटर में, हमारे घर के मैटर में मेरे पापा कुछ भी कहे मेरी माँ ने, कोई दूसरे का तो हक नहीं बनता बोलने का भाई। वो शराब पीवे, दारू पीवे, कुछ ही पीवे, हमारे घर का मैटर में इसका कोई हक नहीं बनता। हाँ जी, मेरे ससुर थे उनके। हाँ जी, उसके बारे में तो उन्होंने उठाना ही नहीं चाहिए। उसने क्यों कहा ये बात? और मेरी माँ को भी ईंट मारने के लिए भी खड़ा हो गया, मेरी माँ के थप्पड़ मारा।
मतलब उसने ये भी नहीं कदर की उसकी माता समान की हाँ, हाँ, इसके ऊपर हाथ उठाते उसे थोड़ी भी झिझक नहीं हाँ जी। अच्छा जब पहली बार उसने धमकी दी थी आपने कहा पहले भी ऐसा हुआ जान से मारने की उसने धमकी पहले तो उसके पापा पहले मेरी ननद आ गई थी मेरी ननद समझा गई थी मेरी ननद समझा गए थे भाई आगे हाथ ना उठाई और एक्शन लियो भाई आगे भाई इनको बोलियो ना कोई मेरी बुआ ने जब पहले समझा दी थी इनको अब आज इसके पापा ने मेरे मारे ईट किसके पापा ने बिट्टू के पापा ने इनके साथ पहले आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ था अच्छा वो ऊपर छत पे से देख रहा था ना उसने हटाया और ना उसकी माँ भी उसकी माँ हटाने लग रही थी उसकी माँ बोली ये तो पागल पागल मेरे पागल क्या मारा सिर फोड़ेगा उसने मेरे ईट मारे उठा के इसके इसके हाथ में आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर मैं उधर रहा हूँ 12 साल बारह साल से रह रहे हो ये आपके बेटे की वाइफ है ये आपके पोता दोनों पोते अच्छा अच्छा आप एफ आई आर करवाई आपने पुलिस ने पकड़ा उनको अभी तक तो नहीं कुछ क्या कह रही है एफ आई आर दर्ज हुई अभी हुई नहीं अभी नहीं क्या कह रही क्यों नहीं दर्ज हो रही है अभी देखो है? क्या कह रहे हैं कोई समझौता का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा आपको नहीं अभी बताया नहीं कुछ भी जी आपसे बात करना चाहेंगे हाँ जी एफ आई आर हुई या नहीं अभी दिया जी आधा घंटे पहले कह रहा है कि बुला लेंगे आपको एप्लीकेशन दिया जाता है एफ आई आर दर्ज नहीं करी अभी तक एफ आई आर का तो पता नहीं था अभी हुई है क्या नहीं पुलिस क्या क्या कहना है इस बारे में पूरे मैटर कह रहे थे कि बुला लेंगे आपको पहले उनको बुलाते हैं अच्छा मतलब ढील कर रही है अभी भी पुलिस है हम बस अभी की बात है थोड़ी देर पहले कह रहे अभी पहले जान से मारने ये धमकी दी थी लेकिन आज ये जान से मारने वाला काम ही है सिर पे जो चोट मारी गई है पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं करी है कह रहे थे जी कार्रवाई करेंगे लिख के तो दे दिया जी एप्लीकेशन ऐसा तो नहीं वो एप्लीकेशन ठंडे बस्ते में डाल दी पुलिस ने पता नहीं जी अभी मिट्टी गोली दे दी बाद में पता लगेगा जी इस बात का अच्छा तो भाई सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं हमें धमकी दी जाती है हमें छोटे असॉल्ट किए जाते हैं फिजिकली मेंटली हम उसको इग्नोर करते हैं पुलिस में एफ आई आर नहीं करते हम तो उसका क्या होता है उस बंदे की ना हिम्मत बढ़ जाती है और जब उसकी हिम्मत बढ़ जाती है तो ऐसे ऐसे जो कारनामे देखने को मिलते हैं अगर ये पहली बार उसकी एफ आई आर कर देते तो आज शायद वो बंदा इतनी हिम्मत नहीं कर पाता बट अब जो भी है भाई ये हुआ है पुलिस ने अभी तक जो हमने परिजनों से बात करी है भाई पुलिस ने एफ आई आर दर्ज नहीं की एप्लीकेशन ली है मतलब ठंडे बस्ते में डाला भी जा सकता है एफ आई आर को अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है बच्चे खेल रहे थे बाइक को जो छोटा सा पत्थर लग गया हुआ खेलते हुए भाई अपने लग जाते हैं तो उस छोटी सी बात को लेकर है उसी बंदे ने जिसने पहले इनको जान से मारने की धमकी दी थी और इनके ऊपर है जो इनका करैक्टर को असैसिनेट भी करने की उसने कोशिश करी है असोल्ट किया है इनको फिजिकली मेंटली और गंदी गंदी गालियाँ दी है और सिर पर है जो देख लो ईंट मारकर है जो उसी लेडीज़ का सिर फोड़ दिया गया है वीडियो में आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं और उनकी दादी जी है वो कैमरामैन से कहूँ थोड़ा नज़दीक से दिखाए वो कितना है जो रो रही है क्योंकि वे जान का खतरा भी बना हुआ है और पुलिस अभी तक किसी भी जो मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है इनका कहना है कि उनका बड़ा बेटा है जो उस लड़के जिसने अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति उसने इनको मारा है ईंट उसका बेटा ऊपर से गाली दे रहा था तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।